ये फिजिक्स का यूपीएचएसी का 2021 ये जो पेपर हुआ है उसका सीरीज चल रहा है, और ये फिफ्थ पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 से 80 यहाँ पे हम डिस्कस करें। 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देती हूँ, पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि ड्यू टू माई हेल्थ एनर्जी लेवल और फेस एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है? तो सपोर्ट करिएगा। स्पॉन्टेनियस अल्फा डिके ऑफ 92 यूरेनियम 232 एट द रेस्ट टोटल एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन इज ई, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पहले मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। मोमेंटम हो जाएगा 2√mE, और यहाँ पे मास रखेंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिके हुआ तो 4 का यहाँ पे कम हो जाएगा तो 228 हो जाएगा। रखेंगे मोमेंटम आ जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p² / 2m। और जब हम यहाँ से फिर अल्फा पार्टिकल की टोटल ये निकालेंगे e से रेशियो, तो ये हमारा 57/58e आ जाएगा, ठीक है? 72 क्वेश्चन। व्हाट इज द वेलोसिटी शुड एन इलेक्ट्रॉन मूव सो दैट इट मास इंक्रीज 66.6% कंपेयर टू इट्स रेस्ट मास। तो वेरिएशन ऑफ मास का क्वेश्चन है m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c². तो इंक्रीज मास दे रखा है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपके पास वेलोसिटी है इनको भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न इन इट्स हाफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो जो बी का बी है वो म्यू नॉट अपॉन 4 π 2 n π i / r होता है। तो जो बी है वो प्रोपोर्शनल है एन आई के। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट को डबल कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेन सेम, पहले जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 74 क्वेश्चन है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस इज एक्सप्रेस्ड एज डेल क्रॉस बी डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। जैसे कि हम जानते हैं गॉस लॉ होता है डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट फ्री स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी जीरो होती है, तो वैसे तो जीरो होना चाहिए था ये, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में हम बी सेलेक्ट करेंगे। 75 क्वेश्चन है। द एनर्जी गैप ऑफ सेमी कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट विद इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, और जैसे जैसे हम डिफरेंस की बात करें, जो डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, टेम्परेचर का फंक्शन है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन टू बैंड्स इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बैंड गैप जो है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ आएगा डिक्रीज विद इंक्रीज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन इज 2330 kg/m³, एटॉमिक वेट इज 28.08, नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब इन सिलिकॉन क्रिस्टल विल बी। तो वैसे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है, और जो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम होते हैं वो 10^28 के ऑर्डर के होते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। टोटल 23 आइसोटोप्स होते हैं सिलिकॉन्स के। 78 क्वेश्चन है। नॉर्मल जीमेन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला स्प्लिटिंग बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ 6600 × 10⁻¹⁰ m² स्पेक्ट्रल लाइन विल बी। डेल्टा जो लैम्डा होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, म्यू बी बी लैम्डा स्क्वेयर अपॉन एच सी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज रखेंगे, म्यू बी है 9.274 × 10⁻²,
बी दिया है 0.3, वेवलेंथ दिया है इंटू 10 to the power -10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे पावर 2, और एच है 6.63 × 10 to the power -34, सी है 3 × 10 to the power 8। ये सारी वैल्यूज रखी और यहाँ से जो लैम्डा कैलकुलेट करेंगे वो 6 × 10 to the power -12 के ऑर्डर का आएगा, यानी 6 पिकोमीटर। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी D1 एंड D2 लाइंस के बीच में इंटेंसिटी पूछी है, तो D2 और D1 की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो 2:1 होती है अगर D2:D1 करें, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और D2 लाइन जो ट्रांजिशन होता है वो 2P3/2 से 2S1/2 में होता है, जबकि D1 का जो ट्रांजिशन है वो P1/2 से 2S1/2 में ट्रांजिशन होता है। तो जब आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं D2/D1 की, तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का 2J+1 होता है, तो 2 लाइन की इंटेंसिटी फिर 1 लाइन की इंटेंसिटी, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है 3 में हो रहा है, तो यहाँ पे J कितना है 3/2+1/2, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है 1/2+1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 2:1 है ना। तो D2/D1 यहाँ पे D1:D2 पूछा है, तो 1:2, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन मटेरियल, प्रैक्टिकली जीरो। तो आयनिक क्रिस्टल में आयंस होते हैं, बाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन से होते हैं, और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं तो उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं, तो प्रैक्टिकली जो कंडक्टिविटी है आयनिक क्रिस्टल के अंदर वो जीरो होती है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्रैक्टिकली जीरो, व्यवहारिक रूप में शून्य आयनिक क्रिस्टल की विद्युत चालकता। और यहाँ इन गिवन रिएक्शन बिलो Z(x)^a जा रहा है Z+1 xA, फिर है Z-1 xA-4, फिर है Z-1 xA-4। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि रेडियो कौन सा एमिशन हो रहा है इनमें से, सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 में डिक्रीज होता है और मास जो है 4 में बढ़ता है, तो उसके अलावा बीटा में एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और गामा में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बीटा होगा, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। फिर यहाँ से 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ और 4 मास डिक्रीज हुआ, तो यानी अल्फा होगा, तो ये हो गया, तो और इस वाले में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसको लास्ट करती हूँ, आपको कैसा लगा आप बताइएगा और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा इसके, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हेल्थ थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही है, आप लोग मेरा साथ दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।